हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो अभी भाजी मेरी बात सुनियो, मम्मी घर में बैठे छत पे मेथी साफ कर रहे हैं और आज मेरा प्लान है कि मैं बनाऊंगी ढोकला। देखूंगी कैसा बनेगा कैसा नहीं। बहुत महीने पहले बनाया था, महीने शायद एक साल हो गया होगा, एक साल पहले बनाया था मैंने वहाँ पे घर पे, जब तो अच्छा बना था। फिर देख लो माँ जी सो रही है, अपना आराम से मजे ले गए धूप में, और सपना और गोराज तो चले गए गाँव शादी में अपने, वहाँ वे आएंगे दो चार दिन बाद, इतने तो मैं चली जाऊंगी वापस। और थोड़ी सी मेथी साफ करा के मम्मी के साथ फिर तैयारी करूंगी ढोकले की, तो आप लोगों के साथ भी मैं रेसिपी शेयर करूंगी, देखेंगे कैसा बनेगा। ढोकला बनाने की तैयारी होगी, सामान अभी पता नहीं। कौन सी कढ़ाई? तो यो इसमें दे दूंगी, इसमें वो रख दूंगी, तो उसमें की नहीं मतलब उसमें बर्तन आ जाओगा, उसमें आ जानी चाहिए बड़ी अब तो देगा। इसमें पानी भर के इसमें अंदर वो रख दूंगी, इसमें फिर रखो हाँ, इसके अंदर के लिए बर्तन चाहिए। ये तो बोलियो ना आने का जो है देख आने का ना लो ढके होंगे कैसे बाप, थोड़ा इससे छोटा चाहिए फिर हाँ अभी लाने की, अगर थाली लूंगी तो और बड़ी कढ़ाई चाहिए फिर, बर्तन नहीं है। तो अभी मैंने यहाँ पे लिया है बेसन, ढोकला बनाने की तैयारी चल रही है। तो ढोकला बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले लेना। ये पैकेट हाफ केजी का है, हाफ केजी का हाफ लिया है मैंने, मींस कि पाइया लगा लो आप, 250 ग्राम्स लिया है मैंने। और इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, अपने हिसाब से डाल लेना, मेज़रमेंट कर लेना आप अपने हिसाब से। और थोड़ा सा इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, जितना आप नॉर्मल खाते हो ना अपने टेस्ट के हिसाब से कर लेना, उस नॉर्मल से थोड़ा कम ऐड करना। और फिर उसको मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, बिल्कुल भी लम्स नहीं होनी चाहिए, मींस कि गाठे वाठे कुछ नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है। और ये देख लो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल फ्लोई होनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल ऐसे पानी पानी भी मत कर देना। और अब मैंने रख लिया कढ़ाई, आप कोई भी बर्तन ले सकते हो। और एक कटोरा ले लिया बड़ा सा, इसमें पूरे में ऑयल या घी लगा के कुछ भी इसको अच्छे से फैला लेना ताकि ढोकला चिपके ना। और जो अपने बैटर बनाया था ना उसमें इनो डाल लेंगे हाफ स्पून, और उसको मिक्स करके अपने उस बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमने ऑयल लगाया था। और जितना भी बैटर है सारा डाल देना आप, और उसको अच्छे से मींस की सेट कर लेना। फिर आप बर्तन को रख देंगे हम कढ़ाई में, डायरेक्ट नहीं रखना, नीचे कोई स्टैंड या कटोरी कुछ भी रख लेना, और ऊपर से ढक देंगे इसको, स्टीम बनने देंगे हम। ढोकला हमने अपना बनना रख दिया, अब देखें कैसा बनेगा, ये भगवान भरोसे है। मैं वहां जैसे बनाती बनाता तो वैसे ही हूँ, जब तक ढोकला बन रहा है यहाँ मेरी चाय भी बन चुकी है, मैं पीऊंगी चाय उसके बाद देखेंगे। और फिर उसका वो भी बनाना है, सिरप भी बनाना है ढोकले का, मतलब कि जो उसके ऊपर डलता है सिरप बोलता है उसको, क्या बोलता है मुझे नहीं पता, क्या बोलते हैं ऊपर से। परात मैंने अभी उतार दिया, अब इसको चेक करके देखते हैं, चक्कू डाल के देखे, अगर ये चिपकता है तो मतलब ये कच्चा है अभी, ऐसा निकला अभी, थोड़ा और पकने देते हैं, हाँ हल्का सा और पकने देते हैं अभी इसको, जब बिल्कुल क्लीन आएगा ना इसका मतलब कि पक गया है, अब ये पक चुका है, अब इसको निकाल लेंगे कि प्लेटिंग कर दिया, देख लो ये सही आराम से निकल गया बिल्कुल, है ना। ये हमारा रोटी दान है, क्या उठा हुआ है किसकी, सही है। अब इसकी कटिंग करेंगे, फिर इसके ऊपर इसका घोल डाल लेंगे जो अभी बनाएंगे। दिख रही है फिर है? थाले
चटनी कुछ भी। चीनी घोलेगी? घोलेगी अभी तो थोड़ा पकेगा। तो अभी ये थोड़ा देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, टेस्ट करके देखेंगे। पहले लड्डू माधव को खिलाएंगे, फिर हम लोग टेस्ट करके देखेंगे। है पहले इसको भी थोड़ी देर ऐसे ही पानी में छोड़ देंगे, उसके बाद इसको सर्व करेंगे। खा के बताओ है, कल से पता लग गया आपकी गरम गरम वो है अभी ठंडा खाना। ये कैसा है? इनकी शक्ल देख लो, बढ़िया लग रहा मुझे तो। गरम है वो अभी, इन्हें तो बेकार लग रहा, बता दे रही हूं। मुझे तो बढ़िया लग रहा, मुझे भी बढ़िया लगा। अच्छा लग रहा, हां अच्छा लग रहा। The next day ढोकला सार में फेमस हो चुका है। अब मैं दुकान खोलूंगी बनाना आता नहीं बनाना तो सीख ले पहले। हाँ हर्षित ने बनाना सिखाया था मेरे को ढोकला, खांडवी बनाने सिखाई थी, लेकिन खांडवी के चक्कर में मैंने ढोकला बना लिया। खांडवी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हाँ जोमेटो से मंगा के दे दिया, नहीं पता मैंने पूरी वीडियो बनाई है अभी, और हमने मचा के रखा, अभी इसको दोबारा खाएंगे। जा रहे कॉफी बना ला, समझ ले जा, बेटी के बच्चे होंगे तो देख के काले हो जाऊंगे तुझे देख के। हे भगवान, दादी तो कारी है, माऊ भूरी है, पोतक भूरो है, और पोती भूरी है, क्यों करें कांटे ले आई है सके वो परीरे कहा भूबरिया उन्हें ले आई पता ही से भूबली है। हाँ। क्या वो भूबली पता ही से है, मूंगफली भूनने वाले, मक्की वक्की भूनने वाले, अरे खील है ना जी ना। और जो लोहे के वो छन्नी वन्नी ये सब बनाते हैं, सूप छन्नी बगड़ी बोल रहे हैं उन्हें तो, मगरमच्छ दादी को आ जाते हैं कभी कभी चक्कर लेते मन चौके लगाए।